मनपा ने ये कांग्रेसियों के दबाव के कारण इतने सालों से हम लोग को न्याय नहीं दिया। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। हाशिए पर आ चुकी मीरा भाईंदर शहर कांग्रेस पार्टी अपना वजूद तलाशते तलाशते इस कदर नीचे गिर चुकी है कि उसे अब रोने धोने का भी ड्रामा करना पड़ रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल आज मीरा भाईंदर मनपा प्रशासन में एक पत्रकार परिषद में उस वक्त दिखाई दी जब कांग्रेस के एक नगर सेवक अनिल सावंत ने बात करते करते हुए अपने आंसू छलका दिए, उनका गला भर आया, इस तरह का उन्होंने ड्रामा किया। आइए पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की ये ड्रामेबाजी अब कांग्रेस के लोग करने लगे हैं। आज कंडीशन दिया है कि आईंच सामान यानी काय वाट लावली ती माहित नाही आहे। समाज मंदिर डिमोलिश झालेलं आहे, पालिकेचा कोणताही अधिकारी त्या ठिकाणी जात नाही आहे। येथे काँग्रेस पार्टी के नगर सेवक अनिल सावंत जो इतने भावुक हो गए हैं मुद्दा रखते रखते कि वो अपना आंसू भी नहीं रोक पाए छलकने से। दरअसल मामला क्या है ये सही तरीके से पेश नहीं कर पाए कांग्रेसी जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत और ना ही अनिल सावंत रख पाए। कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक फरीद कुरैशी को इस बीच में आकर दखलंदाजी करनी पड़ी और उन्होंने पूरा मामला क्या है, क्या मुद्दा है, अपने तरीके से बताया। आइए हम आपको वो सुनाते हैं। मैं आपको इसका एक जवाब एक मेरी समझ से दे रहा हूँ, पार्टी लाइन इसका अलग हो भी सकता है। मुद्दा यह है कि वो जगह एक्वायर करना, उस पे समाज मंदिर बनाना, इस चीज के लिए महानगर पालिका ने टैक्स पेयर का खर्चा किया है। yes, तो वो टैक्स पेयर का पैसे का जवाबदारी हम सब टैक्स पेयर है, क्या हम उसका सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो हम वो टैक्स पेयर के पैसे का मिसयूज वो सवाल कर रहे हैं। ग्रॉस नेग्लिजेंस महानगर पालिका का उस ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करके वो जगह एक्वायर करना, आरजी में कन्वर्ट करना, उस पे खर्च करना और उसके बाद में साधारण तरीके से वो जगह उस बिल्डर को दे देना, प्लान के अंदर जो नगर पालिका का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका डाइवर्जन करना, ये सब चीजों को जब आप देखोगे तो समझ में आता है पालिका टैक्स पेयर का पैसे का मिसयूज कर रही है, अपने पावर का मिसयूज करके ड्रेनेज और बाकी की फैसिलिटीज का डाइवर्जन कर रही है, लैंड को क्लियर करके किसी एक व्यक्ति विशेष को दे रही है, वो व्यक्ति विशेष बिल्डर है या पुराना लैंडलॉर्ड को उसमें इंक्लूड किया गया। ये जो मुद्दा है इस पे जो प्रश्न चिन्ह उठा है उस पे हम आयुक्त से जवाब मांगेंगे, जवाब मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हमको जो कानूनी प्रक्रिया अपनाकर कोर्ट जाके जो करना है, हमारे टैक्स पे अमाउंट की जो टेक्निकल लायबिलिटी है उसके पर महानगर पालिका पहले जवाबदार है, वो जवाबदारी उसको लेकर उस पे वो हमको जवाब देगी, फर्स्ट नहीं देगी तो हम कार्रवाई करेंगे। महानगर पालिका नहीं अपने खर्चे से स्थानीय लोक प्रतिनिधियों की मांग पर ये समाज मंदिर बनाया था, करीब 5-5 साल का एक्सटेंड मिलता रहा इसी समाज मंदिर को उक्त जगह पर। 31 मई को महानगर पालिका और इस संस्था के बीच जो एग्रीमेंट था, जो करार था, उसकी मुदत ख़त्म होने वाली थी और महानगर पालिका ने पहले ही संस्था को करीब 58,000 रुपये भरने के लिए कहा और ज़मीन खाली करने के लिए एक लिखित में पत्र दिया था, परंतु संस्था नहीं कर पाई। संस्था ने मुनासिब समझा कि वो ये सब पछड़े में नहीं पड़ना चाहती है, इसलिए वो ज़मीन उन्होंने खाली करने के लिए मनपा को परमिशन दे दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये एक अच्छा मौका मिला मुद्दा भुनाने के लिए, लोगों की भावनाओं के साथ में खेलने के लिए, अपना दोबारा वजूद भी ये बना पाएगी, अपना वर्चस्व बना पाएगी। इसके चलते आज मनपा प्रशासन में यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आकर दुनिया के सामने रोने धोने का ड्रामा किया। इसी ज़मीन को लेकर पूरी सच्चाई जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं इसी ज़मीन के मालिक साजन पाटिल के पास में, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या लेना देना है, क्या रोल है और क्यों कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी रोने धोने का ड्रामा कर रहे हैं। इस ज़मीन के मालिक साजन पाटिल हमारे साथ में है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या सच्चाई है। पाटिल साहब, आपको भू माफिया कहा जा रहा है और सत्ताधारी और मनपा प्रशासन को साथ में लेकर आप ज़मीन हड़प रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? नमस्कार, पहली बात तो
हम लोग कोई भूमाफिया नहीं है। हमारी ये ज़मीन जो है वो हमारे नाना जी की थी, कैलाशवासी श्रीमान हीराजी गनु पाटिल, उनकी ज़मीन थी। उन्होंने 1988 में 70 बार पहले किया था इस ज़मीन का, 70 बार किया। उसके बाद 2002 में 32 गा किया गया इस ज़मीन का। 32 गा करके हम लोग रिजिस्टर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मालिक हो गए। हमारा 2002 से मालिकाना हक में हमारा नाम आ गया है। बहुत दिन से ये ज़मीन का हमारे केस वगैरह चालू थे। हमारा प्लॉट ये गट होने के वजह से, एक गट होने के वजह से थोड़ा केस में, एक दो केस में उलझा हुआ था। तो पहले तो ये हमारी वडिलो पार्जित ज़मीन है, नाना की ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है। और हम लोग कोई भूमाफिया नहीं है कि यहाँ आके बैठे, हमारा नाम है। हम लोग ने बाहर बोर्ड पर, बैनर पर हमारा नाम लिख दिया, हमारा 7 बार लगाया और कहा है कि हमारी ज़मीन है करके। तो इनका ये कांग्रेस वालों का और उनके पदाधिकारियों का जो हमारे ऊपर आरोप है वो मिथ्या है और हम इसकी निंदा करते हैं। और हम ये कहेंगे कि ये ज़मीन हमारे बाप दादाओं की है, हमारे नाना की है, हमारे फैमिली की है। तो हम नाम के हिसाब से, हमारी ज़मीन के हिसाब से हम लोग आके बैठे हैं। और रही बात मनपा प्रशासन की, तो मनपा, हम लोग कह रहे हैं कि मनपा ने ये कांग्रेसियों के दबाव के कारण इतने सालों से हम लोग को न्याय नहीं दिया। अभी कुछ जाकर हमें लग रहा है कि मनपा कहीं ना कहीं हम लोग को न्याय देंगी, आशा है। हमारे जो मुख्यमंत्री है उद्धव साहेब ठाकरे जी, लगता है कि उनके ये कार्यकाल में हमको ज़रूर न्याय मिलेगा। ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया था कि आपके ही दबाव में महानगर पालिका प्रशासन के सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने यहाँ पर नाला है उसे चौड़ा किया है ताकि आपके लिए आसानी हो या आपकी सहूलत हो, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि नाले का पहले या इस जगह में से यहाँ महानगर पालिका ने आरजी डाला गया है और विकास योजना अंतर्गत जो आरजी डाला था इन्होंने 203 नंबर का, उसमें से छोटे से दो नाले गए थे हमारी ज़मीन में से वहाँ से। तो वो नाले में से कम पानी जाता था यहाँ पीछे खाड़ी में, कम पानी जाता था खाड़ी में जाता था। और ये पीछे जो 9 नंबर की बिल्डिंग है, सेक्टर 9 की पूरी जो बिल्डिंग है, मेरे ख्याल से अभी मालूम पड़ा कि वहाँ कुछ 32 या 36 बिल्डिंग है। तो उनका सब पानी हमारी जगह में से जाता था, जो छोटे छोटे नाले थे। तो उनका कहना था कि आप बड़ा गटर करके दो तो हम लोग को जो बारिश में, जैसे 26 जुलाई 2005 को यहाँ पानी भरा था, वैसा पानी हमारे इधर ना भरो और हमारे लोगों को तकलीफ ना हो करके हम लोग को गटर निकाल के दो। तो हमारा प्रशासन, मनपा प्रशासन को यही कहना था कि हमारे ज़मीन में से अभी जो बची है ज़मीन उसमें से मत निकालो, आप बाजू से कहाँ से एडजस्ट कर लो ताकि उनको भी कोई तकलीफ ना हो और हमको भी ना हो। तो उन्होंने बताया कि हम सब स्टेशन और वहाँ के गेट के यहाँ से हम लोग बीच में से एक नाला निकाल लेते हैं, आप उसके लिए हमें परमिशन दो। तो हम लोग ने भी उनका लेटर लेने के बाद हम लोग ने उनको परमिशन दे दिया कि ठीक है, वहाँ से आप नाला निकाल सकते हो। और नगर पालिका ने उनको 24/5 को नोटिस दी और उनको खाली करवाया। उन लोग नहीं आए तो नगर पालिका ने खुद खाली करवाया, पंचनामा वगैरह किया, उनका सामान लेके गए और नगर पालिका ने आगे कार्रवाई की। क्यों कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है, भावनाओं को जोड़कर पार्टी इस पर कहीं ना कहीं अपनी राजनीति जमीन जो एक बार तैयार करती हुई दिखाई दे रही, क्या आप देखते से कैसा आप समझते कि क्यों ऐसा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही? पहली बात तो ऐसे है कि कुछ कांग्रेसियों भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन उन लोग भी अभी खिलाफ जा रहे, कुछ देख रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा था कि हमें भी ऊपर से दबाव आ रहा है करके हम लोग कर रहे हैं। ऊपर से मतलब कहाँ से? मतलब उनके पार्टी के आला लीडर? हाँ, उनके वरिष्ठों से दबाव आ रहा है कि हमको ये करना है। ऊपर से उनका मतों का भी कारण है, ये कलावती के माते के जो शिष्य लोग हैं या भक्त लोग हैं।
मतों के कारण राजकारण कर रहे हैं। बाकी उनको तो मालूम है कि प्लॉट हमारा ही है, जगह हमारी है, वो पूरी क्लियर है, जगह पूरी तरह क्लियर है, उनको भी मालूम है, लेकिन फिर भी उन लोग ये एक्शन ले रहे। शायद उनका कुछ निजी स्वार्थ है। पहला एक प्लॉट का उधर का मसला था TDR का, उधर रानी लक्ष्मीबाई जो पीछे का प्लॉट है 33.76 गुंटा है, तो लगभग 34 घंटे के आसपास का जो पीछे का प्लॉट है, जो गार्डन बना के नगर पालिका को हैंड ओवर किया गया, वो मधुबाला वाड़ीलाल शाह के नाम पे। लेकिन मधुबाला वाड़ीलाल जी मरकर शायद 30 साल हो गए, और इन लोग ने बाद में वो सब राइड वगैरह दिखाकर उन्होंने TDR वगैरह लिया। किसने TDR लिया? मधुबाला और वाड़ीलाल का डेथ होने के बाद में भी उनका राइट्स दिखाकर कौन किसने लिया? TDR अस्मिता बिल्डर ने लिया है, अस्मिता बिल्डर के पार्टनर ने लिया है TDR, और उनका उनके पास DRC भी है 9 नंबर का। हालांकि हम लोग ने भी पूछा कि हमारी ज़मीन में से कुछ TDR वगैरह दिया गया है क्या, तो माहिती अधिकार के अंतर्गत हमको मालूम पड़ा कि हमारी ज़मीन में विकास योजना अंतर्गत ये डेवलपमेंट के हिसाब से रोड बनाया गया, और डेवलपमेंट के हिसाब से उन लोग यहाँ कुछ ना कुछ करते रहते, लेकिन पहले पूछा नहीं था नगर पालिका नहीं, लेकिन अभी मालिकाना हक देकर उन लोग हमको इतने सालों में पूछ रही है। समाज मंदिर यहाँ पर जो था, उस समाज मंदिर के लिए क्या आपको लगता है कि कहीं उन्हें जगह देनी चाहिए, या फिर आज जिन लोगों लोग के दिल में बहुत प्यार उमड़ रहा है, बहुत तो सहानुभूति उमड़ रही है, तो क्या उन्हें देना चाहिए कहीं पर ज़मीन एडजस्ट करके? क्यों इस तरह से इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? कलावती के जो शिष्य लोग भक्त लोग आते थे यहाँ, तो उनसे एक बार कहा था कि ये आप नगर से हो गया किसी पॉलिटिशियन पार्टी के पास मत जाए, हमसे बात करो, हम आपको कहीं ना कहीं जगह उपलब्ध करके देंगे। हालांकि कोने की जगह एक वहाँ आगे पड़ी है गार्डन की, छोटी सी है जगह, वो हम लोग ने कहा था कि हम आपको उपलब्ध करके देंगे, हमारे ही ज़मीन में वो शायद आती है, तो उसका आप कुछ आपने शर्त रखी थी कुछ उसका आप लेंगे अगर आप उनको उपलब्ध करा के देते ज़मीन तो, के बदले में या फ्री में आप देने वाले? हम फ्री में देने वाले थे उनको जगह, और हम लोग ने कहा भी था कि ये राजनीतिक लोग हैं, वो मतों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपको गुमराह करेंगे, उन लोग उनका अपना हेतु साधेंगे, लेकिन आपको इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन उन लोग ने हमारी नहीं सुनी, उन लोग कांग्रेसियों के साथ जाते थे, उन लोग के पास जा जाकर उन लोग ने हमको बहुत तकलीफें दी, उन लोग ऑब्जेक्शन लेते थे नगर पालिका में, बहुत सारी मीटिंग हुई नगर पालिका को। हालांकि इन लोग बता रहे इनको इतनी सहानुभूति है इन लोग के विषय में, बराबर है, तो इन लोग ने अपने ऑफिस है, जैसे प्रमोद सावंत जी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो प्रमोद सावंत का भी ऑफिस है RG में, उन्होंने तो RG में ऑफिस बनाया ना, तो वहाँ उनका मंदिर प्रस्तावित करे ना, वहाँ उनका उन्होंने मंदिर प्रस्तावित करे, उनको वहाँ पूजन करने के लिए दे, भजन करने के लिए दे, हमारी जगह में क्यों? जैसे स्ट्रक्चर नगर पालिका ने बनाया था वो नगर पालिका ने निकाल दिया ना, तो उसमें कांग्रेसियों को बवाल करने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें क्या है, जब मेरा प्लॉट अगर क्लियर होगा ना, तो और लोगों को दिक्कत आ सकती है, इसलिए उन लोग थोड़ा विरोध कर रहे हैं। ये थे साजन पाटिल, यहाँ के ज़मीन मालक। कुछ तकनीकी अड़चने थी जिसके चलते पूरी ज़मीन पर इनका अब तक मालिकाना हक नहीं था, लेकिन जैसे ही संबंधित विभाग से इस ज़मीन पर इनका मालिकाना हक सिद्ध हो गया, तमाम दस्तावेज इनके नाम से आ गए, और तब उन्हें पता चला कि अब इस समाज मंदिर में जहां पर लोग पूजा अर्चना किया करते, इस मंदिर को जानबूझकर यहां पर रखा गया था बरसों से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, और जिसे महानगर पालिका ने ही अपने खर्च से बनाया था, महानगर पालिका ने आकर ही इसे आज यहाँ से हटा दिया है, इनकी ज़मीन इनके कब्जे में दी है। तो वोटों का राजनीति करते हुए अपने वोटरों को हाथ से फिसलता हुआ देखकर कांग्रेस पार्टी को आज ये सब रो धोकर ड्रामाबाजी करने की नौबत आ चुकी है, जो हमने आपको खबर के शुरुआत में दिखाया था। एक आखिरी सवाल का जवाब इन्होंने देते हुए जो एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर कांग्रेस पार्टी को इन भक्तगणों से, इन संस्था के लोगों से इतनी मोहब्बत है, देवी से इतना प्यार है, तो वो क्यों अपनी ज़मीन उनके नाम न कर दे, क्यों अपनी ज़मीन के अंदर वहाँ पर जो मंदिर बनाए, और ताकि इन लोगों को भी राहत मिले जिनकी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, जबकि ये लड़ाई
में जिन लोगों का साथ कांग्रेस पार्टी दे रही है वो लोग ही कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं है, जो कि पत्रकार परिषद में आज कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। और इसी सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को अपनी बगले झांकनी पड़ी थी कि इस संस्था के लोग उनके साथ में क्यों नहीं हैं। तो कुल मिलाकर ये साफ देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का रोना धोना महज एक ड्रामा है, लोगों की सहानुभूति पाने के लिए, अपनी खोई हुई जो राजनीतिक ज़मीन है उसे दोबारा पाने के लिए, अपना वर्चस्व पाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है। ज़मीन मालिक साजन पाटिल और कांग्रेस के इन ड्रामाबाज नेताओं में कौन सच है कौन झूठ है ये जनता आप खुद तय करें। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।